मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं झाड़ू, मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों को उठाया है, उठ गए हैं बच्चे और स्कूल जाना नहीं था, छुट्टी थी। संडे का व्लॉग है ये, थोड़ा लेट हो गया है तो यहाँ पर लगा दूँगी झाड़ू। पहले संडे है तो संडे का काम तो सारे थोड़े लेट लतीफ़ी होते हैं, तो बस आलस आ ही जाता है कि हाँ चलो संडे है। तो यहाँ पर देखिए लग रहा है झाड़ू। और चीज़ों को भी साथ में मैं हटाती जाऊँगी, बच्चे फैला कर रख ही देते हैं। अब यहाँ पर दे रही हूँ मैं बच्चों को दूध और उसके बाद करेंगे नाना धोना। साथ में ही मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है क्योंकि आलू मटर की मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, सूखे आलू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग की हो रही है 11 और काम सारे हो गए हैं, कपड़े वगैरह सुखा लिए हैं मैंने और लाइट चालू कर देना। और दूध भी आ गया था, उसको भी रख दिया है, गरम हो गया है। अभी बनाऊंगी सब्जी। तो यहाँ पर मैंने आलू रखे हैं, मटर और आलू, सूखे मटर जो रहते हैं वो और आलू दोनों बॉईल करके रखे हैं। नाश्ते में सुबह बन गया था पोहा, तो खाना अभी बनेगा। कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं, देखिए कपड़े सूख गए हैं। तो चलिए अभी बनाते हैं खाना। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, ऑयल डाला है अंदर और सिंपल सी बनाऊंगी। हरी मिर्ची ख़त्म हो गई है तो फिर मैं लाल मिर्ची का ही लगाऊंगी तड़का। हरी मिर्ची होती तब तक तो हरी मिर्ची का यूज़ कर लेती हूँ, नहीं होती तो फिर लाल मिर्ची रखती हूँ तो उसी से कर लेती हूँ, मतलब जो होता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर ही देखिए राई, जीरा, सौंफ, मेथी दाना डाला है थोड़ा सा और अभी डाल दिया है लहसुन और प्याज। अच्छे से कर लेंगे और ये एक दो हरी मिर्ची पड़ी थी तो वो मैंने डाल दी है। और डाला है, कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और टमाटर डाल दिए हैं, चॉपिंग बोर्ड ख़राब हो गया है तो इसी तरीके से बड़े बड़े कट करने पड़े मुझे, वरना तो मैं बारीक कट करके डालती हूँ। और यहाँ पे डाल देंगे मसाले, हल्दी, लाल मिर्ची। मिर्ची तीखी नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। और 1 चम्मच भर के अजवाइन डाला है, वो सुबह की डेली सब्ज़ी में आप तो जानते ही हैं मैं डालती हूँ 1 चम्मच अजवाइन। और नमक डाला है, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले जो हैं जले नहीं। और यहाँ पर डाला है गरम मसाला, 1 चम्मच भर के गरम मसाला डाल दिया है। और धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच भर के और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मटर रखे थे सूखे तो उन्हें रात को ही मैंने भिगो के रखा था और सुबह ही चढ़ा दिया था कुकर पे ताकि वो बॉईल होकर ठंडा हो जाए तो मैं अपना काम कर सकूं, इसीलिए। उसके बाद कुकर भी ठंडा हो चुका था। अब ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है और ये डाल दिया है मैंने मटर और आलू, अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। आलू मैंने छिलका उतार के डायरेक्ट ही अंदर बड़े बड़े कट करके डाल दिए थे ताकि दोनों साथ में ही हो जाए, अलग अलग नहीं करना पड़े। और डाला है अंदर पानी और थोड़ा दबा दूंगी आलू को, ऐसे अच्छी लगती है सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। ट्राई कीजिएगा आप लोग भी इस तरीके से।
पानी डाल दिया है मैंने, जितना मुझे चाहिए था रखना था अंदर। तो सब्जी डन हो गई है, बॉयल आ गया अच्छे से, तो मैंने उसको रख दिया साइड में और यहाँ पर रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी सारे काम हो गए हैं, तो यहाँ पर रोटी दे दूँगी बच्चों को बनाकर। खाना वगैरह दे दिए हैं बच्चों को, खा रहे हैं वो अपना, और मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन कर रही हूँ। बाकी के वो बाद में कर लेंगे, पर एक्स्ट्रा रहते हैं तो यहाँ पर उनको कर लूँगी। और काउंटर टॉप करना है क्लीन, तो उसको भी क्लीन करूँगी। तो पहले बर्तन क्लीन करूँगी, उसके बाद काउंटर टॉप क्लीन करूँगी मैं। और सिंक में जो कचरा था वो मैंने निकाल के डाल दिया है थैली में, छाली रख रखी है ताकि उसमें जो भी बारीक कचरा है वो पाइप में ना जाए, वरना पाइप ब्लॉक हो जाता है इसीलिए। और यहाँ पर ये देखिए मैंने साफ़ कर दिया है काउंटर टॉप अच्छे से। और मिक्सी वगैरह पे भी थोड़ा कपड़ा घुमा दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी आती है तो ऊपर लग जाती है, फिर ज़्यादा हो जाती है तो फिर अंदर फंस जाती है, तो क्लीन नहीं होती अच्छे से। तो ऐसे एक बार कपड़ा घुमा ही देती हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किचन हो गया अच्छे से क्लीन। ये देखिए बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गए, सिंक हो गया खाली और अच्छे से कर दिया है क्लीन। तो अब खाऊंगी खाना, और उसके बाद सूजी रखी है पैकेट, उनको थोड़ा छान लूंगी, देख लूंगी शायद खराब होने वाले हों। और ये रखे हैं सिंगाड़े, तो इनका भी कूट कर इनको मिक्सी में पाउडर बना के फ्रिज में रख दूंगी ताकि ख़राब नहीं हो। तो चलिए पहले खा लेती हूँ खाना, उसके बाद करते हैं बाकी के काम। तो यहाँ पर फिर सारा काम निपटने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, सूजी रखी थी उसको भी मुझे छानना था, थोड़े ऐसे ख़राब हो रही ऐसे लग रहा था। तो सूजी क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो जाती है ढोकले इडली और उपमा वगैरह बनता है, उत्तपम बन जाता है, तो मैं ज़्यादा ले आई थी लेकिन यूज़ नहीं हो पाई थी, इसीलिए थोड़ी सी ख़राब होने लगी जैसी लगी थी। तो मैंने पहले उसे बड़े छन्ने से छान लिया है ताकि जो कुछ भी हो वो निकल जाए। फिर मैंने उसको खाली कर दिया, चटक दिया, थोड़ा सा उसमें निकले थे, जाले बन गए थे। तो अभी उसको मैं दोबारा से इस छन्नी से छान लूँगी ताकि और भी कुछ रह गया तो निकल जाए, पर देखा मैंने कुछ भी नहीं रहा था, उसमें ही अच्छे से क्लीन हो गई थी और अच्छी थी सूजी, ख़राब नहीं हुई थी प्रॉपर, पूरी तरीके से नहीं हुई थी, अच्छी थी, बस थोड़ा सा हो गया था। तो इसको मैं दोबारा से छन्नी से छान लूँगी दूसरी परात लेके उसमें, और फिर रख दूँगी फ्रीज में मैं डिब्बे में भर के, ताकि वो कोई चांस ही नहीं रहे ख़राब होने के। तो ये इसे छान के और डब्बा भर के रख दूँगी फ्रीज में। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज में रख दिया मैंने उसको डब्बा भर के, और यहाँ पे थोड़ा सा ढुल रही थी सूजी तो उसको कपड़े से क्लीन कर लिया है। और अब बना रही हूँ कॉफ़ी और बच्चों को दूंगी दूध, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है। अभी किचन में भी थोड़ा बहुत मुझे सेटअप करना है तो वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर भव्य ने मना कर दिया था तो मैं मानिया के लिए दूध निकाल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मानिया मेरी हेल्प करती रहती है कुछ ना कुछ, तो उसने लेके आया, डाल दी एक कॉफ़ी, और अभी मन था उसका भी कॉफ़ी पीने का, तो आधा पाउच उसने भी अपने लिए डाल लिया है। ज़्यादा कॉफ़ी नहीं देती हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा ही डाल के ताकि फ्लेवर आ जाए बस।
क्योंकि गर्मी करती है इसलिए मैं नहीं देती हूँ ज़्यादा, सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई है और मैं करूँगी एडिटिंग। तो अब देखिए यह है शाम का समय, दियाबाती पूजा वगैरह हो गई है और अब करेंगे खाने की तैयारी। सब्जी रखी है तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ राइस, क्योंकि शाम को लाया हल्का ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए राइस धो लिया है मैंने, तो राइस रख दूँगी। तो यहाँ पर धो रही हूँ मैं हाथ, क्योंकि ऑयल लगा के रखा है मैंने राइस पर, ख़राब नहीं होते हैं उससे, तो थोड़ा चिकना चिकने हो जाते हैं हाथ, तो इसलिए मैंने हाथ धो लिए हैं। क्योंकि फिर इस डब्बों को उन्हीं हाथ से छुओ तो वो डब्बे डब्बे भी सब चिपचिप हो जाते हैं, इसलिए मैं हाथ धोकर ही लगाती हूँ हाथ। तो यहाँ पर देखिए पानी डाला है मैंने, और अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक और घी। तो गैस ऑन किया है और अभी इसमें मैं डाल दूँगी घी, तो इससे एकदम राइस बिखरा बिखरा बनता है, खिला खिला, और टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ पे डाल दिया है नमक। और अब ले लूँगी मैं कपड़े, बाहर रखे हुए हैं कपड़े, तो उन्हें भी लेना है मुझे। तो उससे पहले बर्तन क्लीन कर लूँगी, ताकि मैं थोड़े थोड़े बर्तन ही क्लीन करती रहती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने देती हूँ। ज़्यादा इकट्ठे हो तो लोड पड़ जाता है ज़्यादा ही, तो मैं जैसे भी थोड़े थोड़े होते हैं उन्हें कर लेती हूँ क्लीन। तो सीटी आने वाली है कुकर में, तो तब तक मैंने ये बर्तन जो थोड़े रखे थे वो क्लीन कर लिए हैं। और ये देखिए सीटी आ गई, धुआं दिख रहा होगा आपको। तो अभी कपड़े उठा लूँगी, पीछे सूख गए हैं कपड़े, कुकर ठंडा होगा तब तक कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दूँगी, और फिर खाएंगे खाना। कपड़े उठा रही हूँ मैं, और साथ साथ में फ़ोल्ड करके ही उठा के लेके आऊँगी, क्योंकि एक बार ला के रख दो छोड़ दो तो नहीं होता है। और चलिए वीडियो को करती हूँ यहीं पर मैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।